वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे पड़ोसी मालदीव्स को लेके। कंट्री बहुत छोटा है मगर हम लोग के पड़ोसी है, साउथ में इंडिया के वो लोकेटेड है। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो एक साल पहले क्या बात को अगर हम लोग इग्नोर करें तो लॉन्ग टर्म में हम लोग के साथ मालदीव्स का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा था। ऑन द अदर साइड एक साल पहले हम लोग देखिए मोहम्मद मोइजू जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट है एक कैंपेन रन किया कि इंडिया आउट, और वही कैंपेन के वजह से मालदीव्स में वो इलेक्शन जीता। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो इंडिया मालदीव्स का जो रिलेशन था ऊपर नीचे हुआ, और प्रेजेंटली जो है मोइजू ने यू टर्न लिया है। अब इंडिया आउट जो कैंपेन था उसको कम्प्लीटली मालदीव से भी आउट कर दिया गया है, और मोइजू जो है वो अभी इंडिया विजिट करने वाले हैं। साथ ही साथ मोइजू के मिनिस्ट्री के कुछ लीडर्स रिजाइन किया है, ये कहाँ जा रहा है मालदीव्स की तरफ से, मगर इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है या फिर क्या हुआ, तो चलिए आज वो सब कुछ पता करते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। एक टाइम में इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन था ये काफ़ी अच्छा था, और लास्ट ईयर में मालदीव्स में इलेक्शन था। तो इस इलेक्शन में डिफरेंट जो ओपोनेंट पार्टी थे वो लोग अपने तरफ से लड़ रहे थे, और मोइजू थे ओपोनेंट पार्टी में। और मोइजू का कहना था कि हम लोग जो कैंपेन रन करेंगे उस कैंपेन का नाम होगा इंडिया आउट, मतलब इंडिया का जो भी मालदीव्स में है, इंडिया के कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करने के लिए कुछ मिलिट्री के पर्सन जो है वो मालदीव्स में थे, उन लोगों को भी मालदीव से हम लोग बाहर करेंगे, और आगे जाके हम लोग ये इंडिया आउट कैंपेन को बेस करके हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। तो ऑब्वियसली मोइजू ने ट्राई किया, हार्ड वर्क किया, और मोइजू ने इलेक्शन जीत लिया। और इंडिया को आगे जाके मोइजू के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक, एग्जैक्टली मोइजू के तरफ से नहीं, मालदीव्स का जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक मिला। तो क्या क्या मिला ये मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ। तो ये सब देखने के बाद इंडिया ने अपने तरफ से कुछ स्टेप नहीं लिया। ऑन द अदर साइड हम लोग के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने तरफ से हम लोग का ही कंट्री का एक पार्ट है लक्षद्वीप, जो कि अगर आप देखें लक्षद्वीप मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेस है फॉर ट्रैवल, तो वो लक्षद्वीप में वो ट्रैवल करने गया। और जैसे आपको पता ही है कि मोदी जी कभी भी कहीं भी जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा रीजन्स होते हैं, तो लक्षद्वीप का जो टूरिज़्म था वही प्रमोट करने के लिए मोदी जी वहाँ गए। और ये सब पिक्चर पूरा वायरल हो गया दुनिया भर में से, हर कोई लक्षद्वीप को देखने लगा, और हर कोई बोला कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी के अंडर है इंडिया में, हम लोग भी यहाँ जाएंगे, हम लोग भी यहाँ करेंगे। और जब ये बात सबको पता चला कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से मालदीव्स के नॉर्थ में बहुत ही करीब है लक्षद्वीप और मालदीव का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, एक जगह को प्रमोट किया जा रहा है, तो इससे मालदीव्स के जो सिटीजन्स थे साथ ही साथ मालदीव्स के जो उस टाइम में गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे वो लोग अपने तरफ से थोड़ा सा एक्टिव हो गया, और वो लोग अपने तरफ से मोदी जी को डिफरेंट टाइप ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया ओवर द सोशल मीडिया। तो ये सब देखने के बाद इंडिया के जो सिटीजन है वो लोग चुप बैठने वाले नहीं थे, वो लोग अपने तरफ से बॉयकॉट मालदीव्स एक कैंपेन रन किया, जिस कैंपेन में जो टूरिस्ट इंडिया के मालदीव्स जाने वाले थे वो लोग अपने तरफ से अपना जो टूर था वो कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया। और ये ट्रेंड बढ़ता ही गया, सिर्फ इंडियन में जो इंडियन से वो लोग नहीं, बाहर अगर डिफरेंट कंट्रीज से भी देखे जो लोग मालदीव्स विजिट करने वाले थे हर कोई ये कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और अपने तरफ से मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया। अब मालदीव जो कंट्री है अगर आप वहाँ का इकोनॉमी देखें तो उतना कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, मेनली जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका टूरिज्म के ऊपर, और ये जो टूरिस्ट मिलता है मालदीव्स को सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो इंडिया से। अब इंडियन सिटीजन अगर मालदीव्स में जाना बंद कर देगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मालदीव्स का जो इकोनॉमी है वो अफेक्टेड होगा, और यही हुआ मालदीव्स के साथ। आगे जाके मालदीव्स को पता चल गया कि भाई हम लोग अगर यहाँ रह के इंडिया को कुछ भी बोलेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आगे जाके हम लोग को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस जो है वो कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि भाई हम लोग कहीं भी घूमने जाएंगे, हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे इंस्टीड ऑफ मालदीव्स, मगर हम लोग मालदीव्स नहीं जाएंगे। तो ये सब जब हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मालदीव्स को पता चला कि भाई इंडिया का कितना पावर है, और मालदीव्स ने अपने तरफ से मोइजू अपना जो पुराना कैंपेन था इंडिया आउट धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा, मोइजू ने अपने तरफ से कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया। और इंडिया में मोदी जी के जब थर्ड ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला था उस टाइम में मालदीव्स को भी इन्विटेशन दिया था, तो मोइजू इंडिया विजिट किया। उसके बाद अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में मालदीव्स का जो सिचुएशन था पर देयर इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा, क्योंकि जो टूरिज्म था मालदीव्स का वो टूरिज्म ही कम्प्लीटली हैम्पर्ड है, जिसके वजह से मालदीव्स को पता चला कि ये जो सब हुआ है वो कम्प्लीटली गलत हुआ है। मालदीव्स ने अपने तरफ से उनका जो दो मिनिस्टर थे, एक थे आपका मालशाह शरीफ, दूसरा थी मरियम शीना, दोनों को अपने तरफ से इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए इन दोनों को सैक कर दिया गया है। ऑन द अदर साइड इन दोनों का कहना है कि इन लोगों के लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज है जिसके वजह से वो लोग अपना जो मिनिस्ट्री है उससे वो लोग रिजाइन किए हैं।
मगर एक चीज आप ध्यान दीजिए, अभी मोइजू जो है होपफुली नेक्स्ट वीक इंडिया में आने वाला है, उसका ऑफिशियल विजिट होने वाला है, क्योंकि मोइजू के जो स्पोक्स पर्सन है उनके तरफ से ये कहा गया कि आगे जाके इंडिया में मोइजू जाने वाला है, और कब जो डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, होपफुली ये नेक्स्ट वीक मोइजू आने वाले थे। और उसके पहले ही ये जो दोनों मिनिस्टर थे मालदीव्स के, जो लोग हमारे पीएम मोदी को डिफरेंट टाइप ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किए थे सोशल मीडिया में, उन दोनों को सैक कर दिया गया। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? आप कह सकते हैं कि भाई ये तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस है या फिर ऐसे ही हो गया भाई, दोनों जो इंसिडेंट है ये कनेक्टेड नहीं है। ऑन द अदर साइड मालदीव्स में जब ये सब कुछ चल रहा था, उससे पहले ही इंडिया मालदीव्स में एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा था, टीलामलाई ब्रिज। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन है मालदीव्स का, जो आगे जाकर मालदीव्स को हेल्प करेगा। और इस प्रोजेक्ट में इंडिया ने राउंड अबाउट आपका $500 million इन्वेस्ट किया है, और होपफुली एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है 2026 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मोदी जी को डिफरेंट टाइप ऑफ जो एब्यूसिव लैंग्वेज है सोशल मीडिया में सुनने को मिला मालदीव्स के जो लीडर्स थे उनके तरफ से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया अगर चाहता तो ये जो प्रोजेक्ट था ये कम्प्लीटली इंडिया स्टॉप कर सकता था, मगर इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने अपने तरफ से जो प्रोजेक्ट जैसे काम चल रहा था वैसे ही ये चलाते गया। ऑन द अदर साइड कुछ दिन पहले ही मालदीव्स के जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है वो इंडिया विजिट किया है, और इंडिया ने उसको अच्छी तरह से वेलकम किया है। टीलामलाई जो ब्रिज प्रोजेक्ट अभी भी मालदीव्स में चल रहा है उसको लेकर दोनों कंट्री में डिस्कशन हुआ। अभी मोइजी जो है वो इंडिया आने वाले है। ऑन द अदर साइड मालदीव्स में अगर हम लोग देखें कि मालदीव्स हम लोग के पीएम को जिस टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया मालदीव्स के जो लीडर्स थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हम लोग मालदीव्स का साथ नहीं छोड़े, हम लोग मालदीव्स के साथ में रहे, और जो कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीटली चलता रहा, और हम लोग का टारगेट था कि एग्जैक्ट जो टाइम है उसी टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट करना है। तो हो सकता है ये सब देखने के बाद और वो जो बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन रन हुआ था उसके बाद मालदीव्स को होश आ गया है कि भाई हम लोग कुछ भी करें हम लोग इंडिया से झमेला करके हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि ये ऐसा कंट्री है, इतना बोलने के बाद भी इन लोग हम लोग का कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड ये जो डेवलपमेंट है आप बोल सकते हैं कि भाई इंडिया तो पैसा क्यों हम उन लोगों को देंगे, तो मैं आपको बताऊं ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया राउंड अबाउट $500 million स्पेंड कर रहा है, ये कम्प्लीटली मालदीव्स के लिए एक लोन है, और आगे जाके मालदीव्स जो है ये लोन इंडिया को रीपे करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए मालदीव्स को जब ये प्रोजेक्ट देखा कि ये इंडिया अपने तरफ से ये सब होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट नहीं रुका, और अगर हम लोग इंडिया से झगड़ा करेंगे तो आगे जाके हम लोग का ही लॉस है, क्योंकि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर, और वो जो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया से ही आता है, तो इंडिया के साथ ये सब करके हम लोग अच्छी तरह से आगे जाके कंट्री का जो ग्रोथ है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है ये सब कुछ देखने के बाद मोइजू का जो इंडिया आउट कैंपेन था वो कैंपेन को ही मोइजू आउट कर लिया और खुद यू टर्न ले लिया, साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री में सोशल नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिव था अगेंस्ट मोदी जी उन लोगों को कम्प्लीटली बोला कि भाई आप लोग रिज़ाइन करो और आगे जाके हम लोग को इंडिया के साथ ही और भी अच्छा रिलेशन ग्रो करना है। और ये सब के अलावा भी एक और इंसिडेंट हुआ, प्रेजेंटली मालदीव्स और इंडिया के बीच में 5th मालदीव इंडिया डिफेंस कॉरपोरेशन डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दोनों कंट्री ने ही अपने तरफ से बोला कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डिफेंस टाइज है उसको आगे जाकर और भी एनहेंस कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर हम लोग देखें एक टाइम में मालदीव्स में रेस्क्यू करने के लिए या फिर सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ इंडियंस जो है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन जो आर्मी है वो लोग मालदीव्स में रहते थे कि अगर मालदीव्स में कुछ मेजर इशू हो जाएगा तो उन लोगों को रेस्क्यू करके इंडिया लाया जाएगा, फिर उन लोगों को अगर ट्रीटमेंट का ज़रूरत है या फिर कुछ भी मेजर प्रॉब्लम हो जाए उन लोगों को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मगर मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन जब रन किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोइजू का ही डिमांड था कि भाई इंडिया के जो ये यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है इन लोगों को यहाँ से हटाओ, और आज के डेट में मोइजू ही अपने तरफ से इंडिया और मालदीव्स का जो डिफेंस टाइज है उसको एनहेंस करने में इंटरेस्टेड है, और आगे जाके हो सकता है कि इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है और इंडियंस सेम अमाउंट में ही ट्रैवल करना शुरू कर दें मालदीव्स में जैसे वो लोग पहले करते थे। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज है आपको वहाँ देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे उनको पता चलता है कि आपका क्या टेस्ट है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, इससे आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।